This conference will now be recorded. Okay, so our today's topic is nested list. Okay, ठीक. ये आज हमें डिस्कस करना है नेस्टेड लिस्ट. इसके बारे में बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका था कि व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट. तो लिस्ट इनसाइड लिस्ट, दैट इज कॉल्ड ए नेस्टेड लिस्ट, है ना. एंड लेट्स कंटिन्यू सिंपल. ओके, and here I am giving some title, 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 head, what, nested list. And I'm creating one list ul, and inside the ul I'm writing some content like li. Inside li I'm writing monitors, monitors. ठीक है. एंड अदर आई एम राइटिंग कंप्यूटर्स. ना जस्ट जस्ट वन इनसाइड द एल आई आई एम राइटिंग अनदर ओ एल. ओके, इनसाइड द ओ एल आई एम राइटिंग वन टी एफ टी. ओके, टी एफ टी से पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी आर टी. फिर इधर लिख देते हैं एल सी डी. उसके बाद लिख देते हैं फिर एल ई डी, एंड आफ्टर इट ओ एल ई डी. ठीक है, सो दीज ऑल आर द टाइप्स. ठीक है, देखो बच्चे, एक हमने यूएल डाला है, यूएल के अंदर एक लिस्ट हमने डाला है, उस लिस्ट के अंदर ओएल डाला है हमने. ठीक है ना, देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा. एंड आई रन दिस कोड लाइक दिस. ठीक है, आई वांट ए अनदर लिस्ट आइटम इनसाइड द यूएल. तो देखो क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिखना है यूएल. अब बेसिकली ये जो ओएल है ये इसके अंदर है. ठीक है, ये ऐसे है. ठीक, तो मैंने लिखा इक्वल एल आई, और यहाँ पर इस एल आई के अंदर मैं इस बार बनाऊंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो ऐसा पॉसिबल है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, है ना, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी एज ए नेस्टेड हो सकती है. मैंने यहाँ पर ले लिया यूएल और यहाँ पर भी ले लिया यूएल. And one thing is here, I'm using here computers, CMPUTE computers. Inside the computer, I'm taking micro computers. Here, I'm taking mini. मैक्रो कंप्यूटर्स, है ना, और इधर आई एम टेकिंग सुपर कंप्यूटर्स. ठीक है, लेट मी रन दिस कोड. व्हाट हैपन, देखो बच्चों क्या हुआ. एक चीज यहाँ पे समझने वाली ये है, बाय डिफॉल्ट डिस्क आता है. ठीक है सर, आ रहा है, बाय डिफॉल्ट डिस्क आता है. ये हमने ऑर्डर लिस्ट ली. हाँ सर, ये भी ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट ली तो उसने क्या किया, उसका जो डिफॉल्ट टाइप होता है बुलेट्स का, उसने क्या कर दिया, चेंज हो गया. डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, यस एनीवन, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइप. द डिफॉल्ट टाइप इज, यस वेरी गुड, डिस्क, है ना, डिस्क. द डिफॉल्ट टाइप इज डिस्क. बट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सर सर्कल. तो जब भी, एक चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी हम नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे, है ना, ऑर्डर्ड में तो आप
टाइप एट्रीब्यूट करके ना कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप नेस्टेड लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट नेस्टेड बनाते हैं, तो वहां पर डिफॉल्ट आए ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा ये कि अगर आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक चाहते हैं तो फिर आपको वहां पर डिफाइन करना होगा, राइट। और ये काम कैसे कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं हम टाइप एट्रीब्यूट से। और अब मुझे चाहिए यहाँ पर सपोज स्क्वायर, स्क्वायर, तो दिस इज पॉसिबल एंड आई रन दिस कोड एंड आई रन दिस को स्क्वायर। यू वॉन्ट डिस्क, सो यू हैव टू बी राइट एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से आपको लिखना पड़ेगा देन डिस्क इज देयर, ठीक है। दिस इज इश्यू विद नेस्टेड नेस्टेड लिस्ट, है ना, नेस्टेड नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। दिस इज वन पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ पर हम ओएल ले लें, है ना, यूएल की जगह यहाँ पर हम ओएल ले लें, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि ओएल के अंदर ऑर्डर्ड भी है और अनऑर्डर्ड भी है, तो यहाँ पर 1 2 आ गया, यहाँ पर ये एज इट इज है। हाँ अब ये चाहे कि अगर भाई यहाँ पर जो मेरा ओएल का टाइप है वो मेरा रोमन से आए तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दिस इज डन, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन डू दिस। हाँ अब देखिए, अगर मैंने अनऑर्डर लिया है और यहाँ पर मैं टाइप नहीं लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट फिर से सर्किल आ रहा है ना। तो आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं मेरे को ना स्पेसिफिक करना है, तो फिर आप वहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट लगा दीजिए और फिर आप अपने डेट यहाँ पर इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वन थिंग इज हेयर यू मस्ट बी अंडरस्टैंड, देखिए बच्चों ये जो ओएल है इसका ये एल आई है, इसका ये एल आई है, यहाँ से जो ओएल स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर ये पूरा है, ठीक है। और ये जो एल आई है, ये वाला और ये वाला, ये किसके लिए बिलोंग करेगा, इस ओएल के लिए, ठीक है ना। तो आउटपुट समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैं आपको इधर साइड बाय साइड कर देते हैं, ओके, इसको भी साइड बाय साइड कर देते हैं, या डन, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। मैंने यहाँ पर इसको साइड बाय साइड कर दिया, तो देखो अभी क्या हो रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये ओएल, ये जो ओएल है ये इसके लिए, ठीक है ना, ये ओएल ये वाली हमारी पूरी ये वाली। अभी जो एल आई है मॉनिटर, एल आई जो है ये हमारा मॉनिटर दिस वन, है ना, तो ये जो है हमारा ये यहाँ पर आ गया एल आई, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। फिर इसके अंदर ये ऑर्डर लिस्ट है, तो ठीक है सर ये ऑर्डर लिस्ट आ गई उसके अंदर, ठीक है। फिर से एल आई आया कंप्यूटर, तो ये किसको किसको बिलोंग कर रहा है, इसको ओएल को, दिस कंप्यूटर एल आई किसको बिलोंग कर रहा है, ओएल को, जो मेन ऑर्डर लिस्ट है। उसके अंदर फिर से हमारी क्या आई, यूएल आ गई, तो ये आ गई यूएल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा सी एस एस हमें एक फैसिलिटी देता है, फैसिलिटी क्या देता है, फैसिलिटी ये देता है कि भाई अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आपको एक डिफरेंट टाइप की बुलेट्स चाहिए, है ना, डोंट वांट ए दिस टाइप ऑफ बुलेट्स, आपको एक डिफरेंट टाइप की बुलेट्स चाहिए, तो पॉसिबल है लेकिन कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो मेरे पास ये एक लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, तो ये जो कस्टमाइज आपका जो बुलेट्स रहती हैं वो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है, आप कहीं पर भी इसे लगा सकते हो, और बहुत ही डिफरेंट बुलेट्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई डिफरेंट बुलेट्स वहाँ पर चाहते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं इसको F5 कर दूँ तो ये मेरा कुछ आ रहा है, ऐसा आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ और आइकन बनाए, है ना, कोई तो दूसरा आइकन बनाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहली चीज़ तो एक हमें लगाना होगा स्टाइल टैग, क्योंकि सी एस एस के थ्रू हम करने वाले हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल के साथ हम यूज़ करेंगे इसकी प्रॉपर्टी स्टाइल, सॉरी स्टाइल इज ए टैग, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या इट्स डन स्टाइल, या डन, ठीक है। इनसाइड द स्टाइल वी रिक्वायर्ड ओएल, सो आई एम राइटिंग ओएल, ओएल के साथ एल आई को मुझे चेंज करना है। तो देखो बच्चों पहले तो मैं यहाँ पे देता हूँ एक पैडिंग, के अभी जो आ रहा है स्पेस ना उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मैंने कर दिया यहाँ पे 10 पिक्सल, वो चेंजेस क्या होंगे,
सॉरी सेव नहीं किया, चेंजेस क्या होंगे आप देख रहे हो डिफरेंस। मैं इसको 10 नहीं 5 ही कर देता हूँ, सो आई थिंक माई वर्क इज डन। 5 पिक्सल ये डिफरेंस देख रहे हो, अगर आप ये नहीं होता, सपोज ये नहीं होता तो कुछ ऐसे होता, कुछ ऐसे होता, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, पैडिंग दे दिया। अब ये सब करने के लिए बच्चों आप पुरानी क्लासेस रिव्यू कर सकते हैं। एंड वन थिंग इज हेयर कि मुझे यहाँ पर कुछ और आइकन चाहिए। देखो बड़ा आसान है, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा आइकन गूगल पर जाके, ICON आइकन फाइंडर, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या सर्च किया मैंने, आइकन फाइंडर, आइकन फाइंडर, ICONFINDER, आइकन फाइंडर। देखो बच्चों फर्स्ट वेबसाइट है, दिस इज द फर्स्ट वेबसाइट, रिमेम्बर दिस इज फर्स्ट वेबसाइट, आइकन फाइंडर, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करो, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये वेबसाइट, यहाँ पर देखो मैं ये है वेबसाइट, ठीक है। और देखो मैं इसको भी फुल स्क्रीन कर रहा हूँ फिलहाल। जब आप देखो इसको फुल स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पर हमें ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइकन मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेड भी हैं बट हम फ्री वाला यूज़ करेंगे, और ये प्रीमियम है, हम चलते हैं बच्चों फ्री पर। या दीज ऑल आर द फ्री फ्री आइकन्स हैं सारे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइकन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सारे फ्री हैं। तो इसमें से कुछ ले लेते हैं बढ़िया सा, कोई कलरफुल या फिर कुछ भी, है ना। तो चलिए आजकल मैंगोस का सीजन चल रहा है, इधर से कुछ लेते हैं, है ना, मैंगो। मैं इसको कर रहा हूँ फ्रूटी, ठीक है, और मेरे को मैंगो चाहिए। मैंने इसको मैंगो को क्लिक किया, जैसे बच्चों आप मैंगो क्लिक करेंगे यहाँ पर ये नीचे एक और इसका पूरा खुल जाएगा, ठीक। लेकिन आप देखिए कि बच्चों ये 512 पिक्सल ये काफ़ी बड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, छोटे में मैं इसको ले लेता हूँ 16 पिक्सल। ये आइकन कैसा हो गया मेरा, छोटा हो गया, और मैं इसको PNG आइकन को डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मेरा आइकन जो है डाउनलोड हो चुका है, और इसके एक से ज़्यादा भी हम लोग कर लेते हैं एक बार फिलहाल, है ना। और भी कोई आइकन देखते हैं, कोई और आइकन होगा इसमें, एंड या हेयर आई एम क्लिकिंग आइकन फाइंडर एंड अगेन वी आर सर्चिंग, या इफ नहीं प्रीमियम नहीं, या फीचर्स आइकन सेट, नो वी वांट फ्री फ्री आइकन, क्लीनिंग है, कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर है, दैट्स नाइस। यहाँ से कुछ लेते हैं, है ना, मॉनिटर ही ले लेते हैं। देखो ये मॉनिटर आइकन आ रहा है ना, ना और देखते हैं कुछ और कुछ और कुछ, सो मैंने आइकन सा दे राइट। चलिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, है ना, ये आइकन ले लेता हूँ, ये भी खुला, तो ये 16 पिक्सल में खुल रहा है, मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो आइकन डाउनलोड हो चुके हैं, लेट मी चेक, और ये मेरा डाउनलोड फोल्डर में गया है, तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये हैं दोनों आइकन्स। ये तो है मेरा मॉनिटर, मैं इसको कर लेता हूँ MONITOR मॉनिटर, इसको कर लेता हूँ मैंगो MANG, दोनों ही PNG हैं, और इन दोनों को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद ठीक है, कट करने के बाद इसको मैं पेस्ट करता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने 10th क्लास के फोल्डर में जाके इमेजेस के अंदर। अच्छा मेरे पास ऑलरेडी एक स्माइली का भी है ना, तो मॉनिटर और मैंगो ये है मेरे पास। तो आपको पता है ये मॉनिटर है, ये मैंगो है, नाम हमें पता है, PNG हैं दोनों, तो लगाएंगे कैसे ये समझते हैं कुछ। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम है लिस्ट डैश स्टाइल, ये आपके बस जस्ट फॉर कि चेंज कर सकते हैं इमेज इमेज, है ना, इमेज हम लगा रहे हैं ना कॉलन, और यहाँ पे डालेंगे हम URL, और URL के अंदर डालेंगे हम वो इमेज का नाम, क्योंकि वो IMG के अंदर है, IMG स्लैश स्लैश, एंड फर्स्ट में कौन सा लगाऊँ बताओ, मैंगो लगाते हैं, है ना, लगता हूँ मैंगो MANGO मैंगो .png, दिस इज आई एम डूइंग, एंड या माई वर्क हैज बीन डन। तो लेट मी रीस्टोर दिस, पहले के जैसे रीस्टोर कर लेते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे मैंगो लगा दिया, लेट मी रिफ्रेश, ये क्या हुआ यहाँ पर पूरा आ गया, ये वो वेबसाइट आ रही है जो बच्चों मैंने अभी आपको बताई, RWRO आइकन फाइंडर, है ना, आप देख लीजिए, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ, चलिए तो सेव करते हैं, दोबारा देखते हैं।
कैन सी यहाँ मैंगो आ गए। मेरे को मैंगो नहीं चाहिए, मेरे को भाई मॉनिटर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया MONMONITOR मॉनिटर, एंड इफ आई रन दिस मॉनिटर आ गए। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी स्टाइल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टाइल। एक और है यहाँ पर जो है, लेट मी मिनी मैक्सिमाइज वन एज वन इज ओके, लेट मी चेक। HTML सिंबल्स है ना, HTML सिंबल्स ये मैं सर्च किया बच्चों। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओ तो ये एक वेबसाइट है रे, टॉप टेल, टॉप टेल, इसको मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, फ्री है ये। और देखो यहाँ पर आप देखिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरोज हैं, करेंसी है, लेटर्स है, मैथ है, नंबर्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, सिंबल्स हैं, जैसे यहाँ पर से भी आप देख सकते हो सिंबल्स हैं, है ना। और देखो बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन अगर आप इनको यूज करना चाहते हो ना, या फिर मैं आपको देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। एक और सिंपल तरीका ये हो सकता है, मैं यहाँ से कर दिया टिक 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 सिंबल, टिक सिंबल, जस्ट आई एम सर्चिंग। ठीक है, इनमें से आपको यूज करना चाहता हूँ, मैंने इमेजेस पे क्लिक किया, और कोई भी आप टिक सिंबल, मैं कोई छोटा टिक सिंबल देख लेता हूँ, टिक सिंबल, लोगो, लोगो अपन कर देते हैं। और यहाँ पे टूल्स में जाके हम इसके साइज को देख लेते हैं, लार्ज मीडियम आइकन साइज चाहिए छोटा सा। ठीक है, सो मैनी आर देयर, है ना। मैं कोई सा भी एक यहाँ से उठा लेता हूँ, और लेट सपोज आई एम यूजिंग दिस एंड देखो यहाँ पर जाके अपन करेंगे इसको। मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, तो गड़बड़ हो गया, नहीं समथिंग इज रॉन्ग, लेट मी डू वन थिंग, इफ आई वॉन्ट टू यूज दिस एंड emojis.com, नो चलो कोई नहीं, ऐसे उठा लेते हैं, ये उठा लिया मैंने, यहाँ रख दिया, और इसको मैं उठा के डाल देता हूँ। मैंने इसको इसको कर दिया टिक, TICK टिक, और इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्या है मेरा, ये है PNG है, दैट्स गुड। मैं इसको उठा के कॉपी किया और अपने 10th वाले फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है ना, इमेज के अंदर टिक, ये भी PNG है, तो अगर ये भी मुझे लगाना है तो हैप्पीली पॉसिबल। और देखिए कैसे करना होगा, मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ फिर से। ये सब कुछ काम का नहीं है मेरा, या डन। और ये रहा मेरा कोड, तो मैं यहाँ पे बस क्या करूँगा, टिक, TICK टिक, एंड इफ आई सेव एंड इफ आई रन, सो साइज विल बी टू मच, साइज थोड़ा ज़्यादा है आई थिंक, लेट मी चेक, शायद आया नहीं यहाँ पर, नहीं टिक, स्पेलिंग इज ओके और नॉट, स्पेलिंग इज ओके बट साइज इज टू मच बिग, दैट इज द रीज़न ना। ठीक है, काफ़ी बड़ा साइज है, चलो कोई बात नहीं, इसको आप ये वाला फंडा ठीक है ना अपना, ठीक है ये वाला फंडा ठीक था, हम उसी को कर लेंगे, राइट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द वे यू कैन यूज
और ठीक है, यू कैन अप्लाई सम अदर। मैं यहाँ पर मैंगो कर देता हूँ, या स्माइल था एक मेरा, स्माइल, लेट मी रन, या स्माइल आ गया। ठीक है, तो दिस इज द वे यू कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स इन फ्रंट ऑफ लिस्ट। ओके, आपको कुछ अलग चाहिए तो आप आइकन फाइंडर से जाके वहां से आइकन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, सो दिस इज कंप्लीट फॉर टुडे, है ना। एंड टुमारो वी डिस्कस अबाउट फॉर्म टैग, फॉर्म टैग, फॉर्म टैग कह सकते हैं, या फिर फॉर्म टूल्स। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, टुमारो वी डिस्कस अबाउट। ओके, सो दिस कंप्लीट फ्रॉम माई साइड टुडे, बाय बाय, टेक केयर।